अपनी कोई भी तुम कुछ भी बना रहे हो उसको अपना 110% दो। अच्छी जाती नहीं जाती वो अलग बात है, लेकिन तुम अपनी तो एफर्ट्स दो ताकि तुम बाद में ये ना सोचो यार कि काश इसके अंदर मैं ये कर देता। आई रियली विश समटाइम्स दैट आई कुड जस्ट लिव अ नॉर्मल लाइफ एंड सी हाउ दैट गोज। लिविंग अ नॉर्मल लाइफ फॉर मी इज इम्पॉसिबल समटाइम्स, लाइक दोज लिटल थिंग्स, गोइंग आउटसाइड, जस्ट हैविंग फन विद माई फ्रेंड्स, आई डू मिस दैट। आई हैव टू लाइक कवर माई सेल्फ, वेयर अ हुडी। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक ऐसे प्राणी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे अखंड भारत की जरूरत है। मेरे बारे में शायद तुम लोगों ने सुना होगा, हो सकता है ना सुना हो, लेकिन ज्यादातर उम्मीद है मुझे कि सुना ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता ये कौन है, बड़े खुशकिस्मत हो यार तुम। अजय नगर भाई। हाय, माय नेम इज अजय नगर, एके कैरी मिनाटी, एंड आई एम अ यूट्यूबर। साला अजय देवगन भी पान मसाला ना थूके इसके मुंह पे। बीइंग वेरी विजिबल ऑनलाइन, इट इज a bit hard on my mental health because I mean honestly I cannot just be open about everything. I have to keep some things private, right? When I'm writing songs I can say what I'm not able to say usually. ghalat mod pe khadi hai meri zindagi, dimag aur dil ke peeche hatke meri zindagi, gir ke uthne ka naam hi hai zindagi. Power brings responsibility always, so you have to make sure that your audience do not get influenced in a negative way. You're showing them like to never give up, to be happy, be positive, because if you're not doing it, who is? Okay, so this is my house, this is my drawing room, this is the living area, and these rooms are private, let's not go over there. But what I'm going to show you is my world, my studio where I work. Lots of chairs, yes. So this is the door to my world. Let's go. I have spent the last around six years in this room. And for shooting my videos, I have this camera. And yes, this is where I live, this is where I preach, and this is where I work. भैया ये मजबूर है आपने, जिसको भी मैं रोस्ट करता हूँ कुछ भी करता हूँ, पहले सबसे पहले मैं उनसे परमिशन लेता हूँ कि भाई एम आई अलाउड, कि क्या तुम अलाउ करोगे, मेरा ये चैनल है, क्या तुम मुझे अलाउ कर रहे हो। जनरली वो यूजुअली वैसे कर देते हैं अलाउ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, लेकिन जो नहीं करते तो मैं नहीं बनाता उन पर। लेकिन पहले मैं नहीं लेता था, तो पहले काफी दिक्कतें आती थी, लोगों ने भैया फेसबुक पे मैसेज किया है। ये वाला सीन हर स्कूल और कॉलेज में दिखा जाता है ताकि बच्चे डरे थोड़ा कि भैया अगर पढ़ाई नहीं की तो ये करना पड़ेगा। ऐसे मैं प्रोफेशनल गेमर नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत गेम्स खेलता हूँ, मतलब हद से ज्यादा गेम्स खेलता हूँ। कभी कभी मैं पूरे दो दो तीन तीन दिन निकाल देता हूँ गेम खेलते हुए, फर्क नहीं पड़ता मैं अच्छा खेलूँ ना खेलूँ, बस मेरे को खेलना है, मेरी आदत है। क्योंकि मेरे को बस अपनी चेयर पे बैठा था, मैं ऐसे करके बैठा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, बस ऐसे कंट्रोलर पकड़ रखा हाथ में, मैं बस बैठा हूँ, मैं खेले जा रहा हूँ, मुंह खुला हुआ है हल्का सा ऐसे, मैं बस खेले जा रहा हूँ, मेरे को परवाह ही नहीं है किसी चीज़ की। तो मैं बहुत बड़ा गेमर भी हूँ, प्लस मेरे को फुटबॉल बहुत पसंद है। मतलब पहले तो मैं काफ़ी खेलता था, अब काफ़ी कम कर दिया मैंने, लेकिन अब मैं वापस धीरे धीरे वापस चालू कर रहा हूँ। दिन में मतलब ऑल्टरनेटिव डेज ट्राई करता हूँ मैं खेलने का, लेकिन फुटबॉल का काफ़ी शौक है मुझे। फ्री स्टाइल बड़ा करता था पहले, मैं फ्री स्टाइल काफ़ी करता था, उसकी वीडियोज़ भी बना रखी है मैंने, लेकिन अब तो काफ़ी थोड़ा बहुत छूट गया है, लेकिन अब मैं वापस उस जोन में जाना चाहूँ। गिड़गिड़ा के अपने माँ बाप से पीसी मांगा था कि मुझे ये पीसी दे दो भैया, यूट्यूब कर ले हम थोड़ा। गिड़गिड़ा के भैया बस दिलवा दो करके मैंने ये रहा ये पीसी रखा है यहाँ पर, ये लाया मैं। उसके बाद जब थोड़े से पैसे आ गए हाथ में, फिर मैंने अपना ये वाला माइक ले लिया, इसका नाम है येटी, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी देता है, बाकी तब से यही चल रहा है। मैं जिम नहीं जा सकता, योगा में क्या है, योगा में तुम्हें सोना है, मैं सोता हूँ योगा, जब भी आता है मेरे टीचर आते योगा वाले, मैं जाता हूँ और सोता हूँ। तो भैया सोना तो ऑब्वियसली सबको ही पसंद है, तो मैं सोना। हाँ, ये हम तीन लोग हैं, तो अनिरुद्ध भी हमारे बिजनेस संभालते पूरा,
अमन भैया पूरा सोशल मीडिया वगैरह, और लक्ष्य मेरे वो देखता है शूट्स वगैरह जितने भी होते हैं, स्किट्स या फिर कोई सेटअप करना है, कोई भी वीडियो से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो देखता हूँ। ये वॉल हमने बहुत पहले बनवा ली थी, तो ये तो हमारा सिग्नेचर है, ये वॉल तो रखनी है पीछे। तो फिर बाकी जितना भी सेटअप होता है, एडिटिंग वेडिटिंग जितनी भी चीज़ें, वो सब मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले आता है अपना रिसर्च। रिसर्च के अंदर होता है मेरे को कंटेंट ढूंढना होता है जिसपे मुझे बनाना है। तो रिसर्च में मेरा सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, सबसे ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि वो एक अकेली चीज़ है। मेरे को एक 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 बुरी से बुरी अच्छी से अच्छी वीडियो देखनी पड़ती है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं जब वो देख लेता हूँ, फाइनल हो जाता है कि भाई इस पर बनाना है, फिर शुरू होता है हमारी स्क्रिप्टिंग का काम। स्क्रिप्टिंग में यूजुअली लगते हैं 3 से 4 दिन, जिसके अंदर मैं बैठता हूँ और बनाता हूँ कि भाई इस पे ये बोलना है, इस पे ये बोलना है, अटक गए बीच में, ब्रेक ले लिया, जो भी है ये सब, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग हुई, स्क्रिप्टिंग के बाद आती है हमारी शूटिंग। शूट में यहीं बैठ के कैमरे के सामने अपना जो है, तो कैसे हैं आप लोग, ये सब वो सब जितनी भी चीज़ें हैं सब बोला, सब कुछ किया। उसके बाद आता है हमारा फाइनल एडिटिंग। एडिटिंग पे काफ़ी गौर करना पड़ता है मेरे हिसाब से, क्योंकि एडिटिंग से पता चलता है कि तुम अपने कंटेंट को कैसे दिखाना चाहते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। अभी तो मेन मेरे लिए यही है, एनिमेशन और एक वेब सीरीज तो मैं चाहता हूँ जो कि कॉमेडी नहीं होगी। कुछ नहीं पता यार मुझे, मैं तो कुछ भी बोले जा रहा हूँ, मैं तो पागल हूँ। कितनी भी हम कोशिश कर लें कि भाई ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ये चीजें नहीं होती, ये प्लान्ड होती नहीं है। तुम्हें बस उसे करते रहना होता है जब तक प्लान अपने आप बन जाता है। जब तुम पहुंच जाते हो ना, जब तुम हो जाते हो तो कि भाई हाँ भाई अब हो रहा है, चलना शुरू हो गई है, तब तुम पीछे से आगे लेके शुरू करते हो कि ये मैंने किया कैसे, ये हुआ कैसे, फिर वो एक प्लान होता है। अगर मैं अपना बता दूंगा, वो सही बताऊं तो किसी को हेल्प नहीं करेगा, लेकिन अगर बोला जाए तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। और प्लस अब तो काफ़ी यूज़र्स हैं यूट्यूब पे, काफ़ी इंडिया में काफ़ी यूज़र्स हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रोथ तुम बहुत आसानी से कर सकते हो अगर तुम डिसेंट कॉन्टेंट बनाओ, क्योंकि पहले जब तुम डिसेंट कॉन्टेंट बनाते थे तो इतनी रीच नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी हो गई है, काफ़ी, मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके मिलियन है, बहुत सारे इंडिया में ही सिर्फ। तो मेरे ख्याल से तुम्हें बस डिसेंट कंटेंट बनाना है जो यूनिक हो, तुम्हारे अपने स्टाइल में, जो तुम्हें पसंद है। अगर तुम वो बनाओगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम दो यार, चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। यू हैव टू डिवाइड अ लाइन बिटवीन व्हाट यू वांट टू स्पीक एंड व्हाट इज राइट, एंड यू हैव टू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग फ्रीडम ऑफ स्पीच।